हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल की। देखिए बोर बोर मॉडल, बोर मॉडल क्या बता रहा है आपको, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। शॉर्ट फॉर्म में आप पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको मालूम है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई बताया उसने। और क्या बताया उसने, उसने हमें ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहे हैं तो उसकी जो एम वी स्क्वायर वाला फोर्स है वो किसके इक्वल है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे को इससे क्या मिला, एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के जेड ई स्क्वायर इक्वेशन वन इक्वेशन टू। ये हमारे को दो चीज़ें मिली है। हम इन दोनों इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वी प्रोपोर्शनल, हम बोल सकते हैं वीजन, वीजन का मतलब क्या होगा, वीजन का मतलब होगा वी प्रोपोर्शनल जेड बाई एन। ये हमारे पास हो गया वीजन। नेक्स्ट हमारे लिए हो जाएगा सेकेंड वेलोसिटी के अलावा रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आर प्रोपोर्शनल रनाज, यानी हम बात करते हैं रनाज, यानी हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल रनाज एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये हमारे पास हो जाएंगे दोनों पॉइंट। इन सब से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप ही बताइए, अगर जेड कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है और आपको इस जगह एन की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस में दूर से दूर होते जाएंगे, वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ वी वन है, यहाँ वी टू है, यहाँ वी थ्री है, और यहाँ एन की वैल्यू 1 2 3 है, तो बताइए वी वन रेशो वी टू रेशो वी थ्री की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोलिए। क्या ये नहीं होगी 1:1 1:1 अपॉन 1/2 रेशो 1/3, यानी ये कितना हुआ 6:3:2। ये हो गया हमारे पास, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर एन कॉन्स्टेंट है दूसरी तरफ और आपने इस जगह जेड बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कुल मिला के ये दोनों कंसेप्ट हमारे पास आते जा रहे हैं 1 2। इसी तरह आर के लिए अगर हम बात करते हैं, जेड कॉन्स्टेंट है और एन बढ़ा रहे हैं रनाज, तो बताइए जेड कॉन्स्टेंट है एन बढ़ा रहे हैं तो आर की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और किस तरह से बढ़ेगी, जल्दी से देखिए, यहाँ एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 2 एन इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 4, तो बताइए यहाँ रेडियस आर 1 आर 2 आर 3 आर 4 क्या रेशियो हो जाएगा इनका, 1:2 का स्क्वायर यानी 4:9:25, यस और नो। तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी रेशियो। ये दोनों ही चीज़ें हमारे को किसने बताई थी, बोर्ड ने। तो बोर्ड ने हमारे को ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बताई है, मैं भी उससे जल्दी बता रहा हूँ। तो नाउ नेक्स्ट, तो बोर्ड ने केवल क्या वेलोसिटी और रेडियस ही बताया, नहीं, उसने और भी बताया। फोर्थ नंबर उसने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, लिखते जाते हैं, ये तो हमारे पास है ही। इसके अलावा उसने हमें जो बताया, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है। अगर बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे सर्किल पर सेकेंड रोटेट करेगा। उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी अगर बोर की बात करें तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एन ई से, और एन ई यानी कि 2 पाई आर एन ई की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 2 पाई आर एन ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी, यानी एन ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी बाई आर, और वी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी जन जेड बाई एन, और आर किसके नाज एन स्क्वायर बाई जेड। तो टोटल कितना हुआ, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो अगर आप यहाँ पर एन ई के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ एन ई के लिए, तो यहाँ पर अगर एन कॉन्स्टेंट है तो और जेड बढ़ रहा है तो एन ई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पर एन कांस्टेंट की जगह जेड कांस्टेंट दे रखा है तो और उसके साथ ही एन बढ़ रहा है तो एन ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो मैं आपसे आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारे सर्किल हैं और ये न्यूक्लियस है आपके पास, यहाँ एन ई वन है, यहाँ एन ई टू है, यहाँ एन ई थ्री है, यहाँ एन ई फोर है। तो अगर एन ई 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 उनके लिए एन की वैल्यू है, तो बताइए इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा 1:1 डिवाइडेड बाय एन क्यूब है नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/8, और ये कितना हो जाएगा 1/25 या कितना हो जाएगा, एक 125 या नहीं 27, और फिर उसके बाद हो जाएगा 1 1 कितना होगा 64। तो ये हमारे पास रेशियो हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी हमारे पास थर्ड नंबर का पॉइंट आ गया। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे लिए नेक्स्ट आएगा
टाइम ड्यूरेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रोटेट होने में कितना समय लग रहा है, तो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/ne, और 1/ne किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक तरह से n³/z², तो बिल्कुल उल्टा चला जाएगा एन ई के। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हम टी की बात कर रहे हैं और हमारे पास जेड कॉन्स्टेंट है, तो जेड कॉन्स्टेंट है तो इससे क्या पता चलेगा, एन बढ़ेगा तो हमारे लिए टी ई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, टी ई की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल हैं 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ टी ई 1, टी ई 2, टी ई 3, ये टी ई 1, टी ई 2, टी ई 3 बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं पर मतलब पर साइकिल के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम लग रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं, 1:, ये सीधा प्रोपोर्शनल जाएगी 8:27 प्रोपोर्शनल, और ये कितना हो जाएगा 64। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ आपने एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया बोर्स मॉडल्स के लिए, लेकिन बोर मॉडल ने यही नहीं बताया, बोर मॉडल ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जिससे बहुत सारी लाइन बनती है। तो कुछ टर्म्स आपके साथ आ रही है और वो टर्म हमारे पास हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो चलिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट, पहले वो समझ लीजिए। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ग्राउंड में, यानी एन इक्वल टू 1, और बाकी सारी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। तो एन इक्वल टू 2 उसके लिए क्या कहलाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ई एस का मतलब एक्साइटेड। एन इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट n से कम होती है या n की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट से एक ज़्यादा होती है। अगर कोई 10th एक्साइटेड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो कहाँ पर है, 11th में है, और अगर वो 11th शेल में, तो बताइए कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, 10th में। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपके पास आती है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में और उसको बाहर निकालना है, तो ये कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी, या सुनो। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है और उसे बाहर निकालना है, तो वो क्या कहलाता है, भले कहीं पे भी हो, यहां से भी, तो वो कहलाता है सेपरेशन एनर्जी, क्या कहलाता है, सेपरेशन एनर्जी, समझ में आ रहा है। तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन सेपरेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, नहीं। तो ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा और फंडा रहा कि आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर आप ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्साइटेड स्टेट से निकाल रहे हैं तो सेपरेशन एनर्जी, इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमारे पास एक टर्म और आ गई, एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी उसने बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया, बोर ने, उसने कहा दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये सब उसने सिर्फ यही कैलकुलेट करके बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोई रिपल्शन नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ना जो होता है उसे कंसीडर नहीं कर पा रहा था, तो नहीं कर पा रहा था तो ये नहीं, पूरा मॉडल किसके लिए लगा, जहां दो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन को ही ये पूरा बोर मॉडल समझा रहा था। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में उसने ये कहा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए 13.6 z² / n² होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वो होती है -27.2 z² / n², इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी -13.6 z² / n², ये सारे डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बात मुझसे पहले किसने बताई, सारी बोर ने, तो बोर को हमने रेस्पेक्ट दिया और हम सिर्फ टोटल एनर्जीज को ही देख रहे हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर हम बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी डायग्राम अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है, n इक्वल टू 1 में है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो बताइए यहाँ एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6, -3.4, फिर -1 और कम कर दो, कितना 1.51, और यहाँ और कम हो जाएगा -0.84, और उसके बाद और कम होता जाएगा 0.6 समथिंग। तो ये हमारे पास अलग अलग शेल में अलग अलग एनर्जी है। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप इस 13.6 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में, ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उसको आप 13.6 से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव में देनी पड़ेगी, तो
तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और उस पोजीशन में क्या होगा, आयनाइजेशन। लेकिन अगर आपने कम दिया, सपोज आपने 10.2 दिया, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एन इक्वल टू 2 में चला जाएगा, 10.2 देते ही उसे बोलेंगे एक्साइटेड हुआ है। लेकिन अगर 10.2 से कम दिया तो वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और रिपेल हो जाएगा, उससे रिफ्लेक्ट हो जाने की इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने का रहा ना नीचे जाने का रहा। तो समझ में आ रहा है, मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए, कितनी देनी पड़ेगी, 10.2। 10.2 से ज्यादा दोगे चलेगा, कम दोगे कुछ नहीं होगा। तो ये बात मुझसे पहले किसने बताई, ऑब्वियसली बोर ने बताई। तो इस तरह से हो सकता है कि आपने इतनी एनर्जी दे दी कि यहां तक पहुंच जा रहा है, तो यहां तक पहुंच रहा है तो फिर वो वापस इस तरफ भी आ सकता है और बहुत सारी लाइंस जनरेट करेगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी और वो यहाँ गया, लेकिन आते वक्त उसने बहुत सारे रास्ते ले लिए, यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, या हो सकता है यहाँ गया और फिर सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, या हो सकता है सीधा यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, और भी बहुत सारे चॉइसेस हो सकती है कि सीधा वापस एज इट इज आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है तो जाने का रास्ता भले ही एक हो, लेकिन आने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल लाइंस हमारे पास कितनी होगी, टोटल पॉसिबल लाइंस इस बात पर डिपेंड करेगी, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, पॉसिबल लाइन इस बात पर डिपेंड करेगी कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। टोटल पॉसिबल लाइंस का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो हमारे लिए एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि ये शेल नंबर है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब शेल नंबर, या आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो n माइनस वन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है। तो बताइए अगर आपके पास n की वैल्यू, जो भी हमारे पास दे रखा है एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, तो n की वैल्यू हमेशा n प्लस वन होगी, इज दैट क्लियर, ना कि n माइनस वन। तो आपको टेंथ एक्साइटेड स्टेट दे रखा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस वन। चलिए खैर ये सब चीज़ें अभी आप मत लिखे, ज़्यादा अच्छा है, आप तो बस लिख लीजिए एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा एक्साइटेड स्टेट से एक ज़्यादा होता है, खत्म। तो हमारे लिए ये वाली पॉइंट्स क्लियर हो गई। तो अब आगे हमें अगर लैम्डा निकालना हो तो पहले वो कहाँ से जम्प मार रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, जैसे द हम यहाँ निकालेंगे द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू शेल कितना हो जाएगा, बिटवीन टू शेल आपको जो देखने को मिलेगा वो पता है कितना मिलेगा, दो शेल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2² ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस निकाला जा सकता है दो ऑर्बिटल के बीच में। यहाँ जेड क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर को 13.6 है ही कांस्टेंट, n1 n2 दो एनर्जी लेवल्स में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया कि एनर्जी डिफरेंस आ रहा है तो आप काफ़ी हद तक आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लैम्डा निकालना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्या आप लैम्डा निकाल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए एनर्जी का ट्रांसफर करता है, और एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्मेट में करता है, वो फोटोन की फॉर्म में करता है, यानी फोटोन या तो एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर चला जाएगा, लिब्रेट करेगा तो नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है। तो जो फोटोन लिब्रेट कर रहा है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है, वो फोटोन वो किसके इक्वल होगी, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसके इक्वल होगी, और एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच सी बाय लैम्डा, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी है 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2² बोलो यस। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो 1/λ की वैल्यू ये डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आएगा रीडबर कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2² ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ यूनिट का बहुत लफड़ा है तो यूनिट का ध्यान रखते हैं। रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.01 मान लीजिए, 1.1 × 10⁻⁹ कितना होता है 7 m² ये हमारे पास हो गया। या दूसरी तरह से भी आप लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू हम जानते हैं 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, डेल्टा ई इस फॉर्मेट से निकाल के हम 12400 में उसका डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर डेल्टा ई किस में रखना जरूरी है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और है भी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन इन दो शेल से जंप मारा है 13.6 और यहाँ पर कितना है 3.4, तो यहाँ जब मारा है तो आपके पास यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा, डिफरेंस कितना है 10.2, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 10.2। ये आपके लिए फास्ट मेथड है, लेकिन अगर आपको स्लो मेथड चाहिए तो आप n1 n2 की वैल्यू रखो, रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू करो, लैम्डा निकालोगे, लैम्डा मीटर में निकलेगा, उसको अंगस्ट्रम में चेंज करेंगे, जबकि यहाँ आंसर आपको डायरेक्ट अंगस्ट्रम में मिलता हुआ दिखता हुआ दिखेगा। तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ आपके पास एनर्जीज डायग्राम से आपको ये पूरा क्लियर है, लेकिन फॉर्मूला फिर भी ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको डेल्टा ई निकालना हर जगह आसान नहीं होता, जैसे यहाँ तो आ गया आपके पास,
लेकिन बहुत सी जगह आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और या आपको रेशियो निकालना पड़े तो भी आप कर सकते हैं। तो दो ऑर्बिटल है, मान लीजिएगा दो अलग अलग ट्रांजिशन है, जैसे यहाँ से इस तरह से एक जगह N2 से N1 में जंप मार रहा है, और एक जगह N2 डैश से N1 डैश में जंप मार रहा है। तो बताइए यहाँ पर लैम्डा का रेशियो क्या होगा, यहाँ लैम्डा 2 है, यहाँ पर लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो पहले तो मैं बताऊंगा लैम्डा 1 की वैल्यू आप निकालते कैसे हैं। आप जानते हैं रीड बर कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर जेड स्क्वायर 1/N1² -1/N2², तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये 1/λ होता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे आपके पास, N1² × N2² / रीड बर कॉन्स्टेंट Z²(N2²-N1²), तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा। तो जब आपको लैम्डा मालूम है तो लैम्डा यहाँ रेशियो क्या निकालना है, लैम्डा 2/λ1 निकालना है, समझ में आ रहा है। तो ये लैम्डा 2/λ1 के लिए आप दिस रेशियो डिवाइडेड बाय दिस रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा N2 डैश N1² N2² / N2² - N1², लेकिन ये सब चीज डैश में आएगी। ये तो हो गया एक पार्ट लैम्डा 2 के लिए, बाकी रीड बर कॉन्स्टेंट और जेड की वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास रेशियो आ जाएगा, तो N2² - N1² / N1² / N2², ये हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए। तो चलिए यहां तक तो लिखो आप, क्लियर है? यस। तो यहां आपके पास ये सब चीजें छोटे छोटे फॉर्मुलेटे जो आपको समझने होंगे, आ रहा है समझ में? तो चल लिखिए यहां तक। तो चलिए और आगे हम देख रहे हैं फास्ट क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप कराते हैं तो नई नई तरह की स्पेक्ट्रम लाइंस बनती है, इनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप मारे, मान लीजिए ये हमारे पास एनर्जी लेवल है N=1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इस तरह से N=5 भी है, और डॉट 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 N=∞ में कहीं से भी जंप मारे। लेकिन अगर फर्स्ट शेल में मारता है तो बनने वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन। तो बनने वाली ये सारी लाइंस हमारे लिए क्या कहलाएगी, लाइमन। लाइमन के लिए N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन N1 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, 1 ही होगी। तो अगर आपको लाइमन लाइन के लिए लैम्डा निकालना है तो आप 1/λ N2 से आप क्या लिखेंगे, 1, और ये हो जाएगा रीड बर कॉन्स्टेंट RH, और Z² की वैल्यू डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम प्लस है तो 2, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू कितनी है, 1² - 1/रीड बर स्क्वायर, सॉरी N2², इज दैट क्लियर? ये किसके लिए लगेगा, सिर्फ लाइमन के लिए। तो लाइमन यहाँ लिख सकते हैं, लाइमन लाइमन सीरीज। और अच्छी बात यह है कि जब आप हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो ये सारी लैम्डा जो आपके पास आएगी वो आपकी अल्ट्रावायलेट आएगी, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी। दूसरी तरफ अगर आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है और लेकिन वो मारते वक्त ध्यान नहीं रख रहा है, और वो पहले तो कहाँ गिर रहा था, N=1 में, लेकिन अब वो गिर रहा है N=2 में, अलग तरह का ध्यान रख रहा है, तो कहीं से भी जंप मार रहे इलेक्ट्रॉन लेकिन कहाँ जा रहा है वो, N=2 में, तो बनने वाली लाइंस क्या कहलाएगी आपके पास, बामर। तो ये हमारे लिए N2 से 2 में जंप मार रहा है, और लाइमन की जगह हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप मारे लेकिन जंप कहाँ पड़ेगा, सेकंड में, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर फिक्स है, बाकी N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। N2 की वैल्यू क्या होगी, 3, 4, 5 होगी, 2 तो हो नहीं सकती, खुद पे तो जब मारेगा नहीं, नीचे से मार नहीं रहा, ऊपर से मार रहा है, यानी कि N2 की वैल्यू हमेशा N1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बामर के लिए, और अच्छी बात क्या है कि ऑल लैम्डा किस में रहेगी, यहाँ पर विजिबल में, तो ये विजिबल आएगा आपको, यानी कि 3,500 से लेकर 7,500 अंगस्ट्रम के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी समझ में आ रहा है, 3,500 to 7,500 के बीच में आपको लैम्डास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये हमारे पास लाइमन हो गया, बामर हो गया, और अगर हमें पार्शियन ब्रैकेट फंड करना है तो बिल्कुल वैसे ही हम फॉर्मेट लगाएंगे, करना कुछ भी नहीं है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है और वो कहाँ मार रहा है, थर्ड में, तो बनने वाली सीरीज क्या कहलाएगी, पार्शियन। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है लेकिन फोर में मार रहा है वो, तो क्या कहलाएगी, ब्रैकेट। कहीं से भी जंप मार रहा है लेकिन वो फाइव में मार रहा है तो क्या करेगी, फंड। तो लाइमन यहाँ कहलाएगी बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, फिर उसके बाद हैमफ्री अगर सिक्स में मारता है। तो इस तरह से हमारे पास एग्जांपल्स बन सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है, क्या पूछता है, एग्जांपल पूछता है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड
सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन एंड थर्ड लाइन ऑफ पाशन। तो आप कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस? लाइमन और पाशन दोनों का बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल ले लिया हमने, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। लाइमन का मतलब सेकेंड लाइन, यानी कि थर्ड से वन में जा पा रहा है। कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये जब भी लाइन निकालना हो तो आपको ये मालूम है कि ऊपर से गिरेगा, तो ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट लाइन। ये क्या कहलाएगी? सेकंड लाइन। और हमसे कौन सी पूछा जा रहा है? सेकंड लाइन। तो यानी कि थर्ड से फर्स्ट में जंप आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये, लाइमन के लिए वन की वैल्यू क्या होती है? वन। और कौन सी लाइन है? सेकंड। यानी वन प्लस टू कितना हुआ? थ्री। थ्री से वन। और अगली कौन सी निकाल दी? पाशन। लाइमन बामर पाशन, यानी कहाँ जंप मारेगा? थ्री में। और कौन सी लाइन पूछ रहा है? थर्ड। तो थर्ड का मतलब थ्री प्लस थ्री क्या हुआ? सिक्स। सिक्स से थ्री में जंप मारेगा। और फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, अगर हमें ये रेशियो निकालना है तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या था? इस जगह थ्री वन, यानी थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? और इसके लिए सिक्स और थ्री के लिए आपके पास क्या होगा? सिक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर। तो ये आपके पास बहुत ईजी वे में ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास यही आंसर होगा। तो चलिए खत्म, ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल ऐसा भी बन सकता है जो हमने अभी तक करा है। इफ इलेक्ट्रॉन हैव प्रेजेंट इन टेंथ एक्साइटेड स्टेट, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टेंथ एक्साइटेड स्टेट, टेंथ एक्साइटेड स्टेट, देन फाइंड टोटल टोटल पॉसिबल पॉसिबल लाइन्स। तो आपके पास पॉसिबल लाइंस कितनी होगी इस जगह? जल्दी बताइए टोटल पॉसिबल लाइन, यानी कि इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 11। क्योंकि टेंथ एक्साइटेड स्टेट दिया है, एन की वैल्यू नहीं दी है, और एन की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट प्लस 1 होती है, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास? 11। और अगर आपके पास एन की वैल्यू यहाँ पर 11 आ रही है तो आपके पास टोटल लाइन्स कितनी होगी? टोटल लाइन्स एन इक्वल टू एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपके पास आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 55। ध्यान रखिएगा 55 में बहुत सारी लाइन लाइमन की भी होगी, बामर की भी होगी, पाशन की भी होगी। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर कि कितनी लाइमन लाइंस होगी। लाइमन लाइंस होती है, लाइमन लाइंस होती है हमेशा एन माइनस 1, यानी कि जो आपके पास है जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ से। तो कौन सी जगह इलेक्ट्रॉन? 11 में। तो कितनी लाइमन लाइन होगी? 10। बामर कितनी होगी? बामर लाइंस आर, बामर लाइंस आ रही है n माइनस 2, यानी कि जो भी आपके लिए n है आप n स्मॉल भी रख सकते हैं। टोटल कितनी हो जाएगी? n माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 9। और इसी तरह पाश्चन लाइन कितनी होगी? पाश्चन लाइन आपके पास होगी कितना हो जाएगा? n माइनस 3 यानी कि 8। ऐसे लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड मिलाते मिलाते 10 से लेके 1 तक लाइंस आपको मिलेगी। तो 1 से लेके 10 समेशन कितना होगा आपके पास? 55। यस और नो? तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये एक तरह से मेरा पूरा बोर मॉडल हो गया। बोर मॉडल के बाद ही हमारे पास अगला मॉडल आ रहा है, किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। चलिए पहले ये चीज़ क्लियर करो फास्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि देखिए, मिलता जुलता मॉडल है, कोई ज़्यादा खास। तो हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? आप सब जानते हैं, आइंस्टाइन ने दिया था। उसने कहा था कि कोई भी मेटल प्लेट में अगर हाई एनर्जी का फोटोन टकराता है, किस तरह से टकराता है? ये मान लीजिए बहुत हाई एनर्जी का फोटोन है जो आके इससे टकरा गया और ऐसे एक और आ गया, तो ये हमारे पास फोटोन आके टकरा रहा है, लेकिन बहुत हाई एनर्जी का होना चाहिए। इतनी एनर्जी का होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बंधा हुआ है उससे ज़्यादा एनर्जी हो। यानी फोटोन की एनर्जी इस जगह, एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास क्या है इस जगह? मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोटोन। इस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा तो ये मूव करेगा, मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और ये सामने वाले इलेक्ट्रोड पेडल पे चला जाएगा और एक तरह से वहाँ जाके ये करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि आपको ये इस जगह लो प्रेशर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा? अंदर जो गैस है वही आयनाइज हो जाएगी और हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो जनरेट होता है करंट अगर किसी में भी, तो ये वाला साइन बताता है कि यहाँ करंट जनरेट हो रहा है। और दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर जब ये करंट हो रहा है तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो कर रहा है? इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, आई की डायरेक्शन उसके अपोजिट बताते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एनोड। एनोड हमारे पास हो रहा है, ये हमारे लिए क्या हो रहा है? कैथोड।
तो ये हमारे पास कैथोड हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हमारा पास इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने हमें बताया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई फोटोन, फोटोन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। इस बाइंडिंग एनर्जी को हम और भी बहुत सारी एनर्जी जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर या तो मैं बाइंडिंग एनर्जी यूज़ करूंगा या इसका इको नाम वर्क फंक्शन यूज़ करूंगा। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर आप अच्छे से जानते, और फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। एच म्यू किसने दिया था, प्लांक्स ने। और तो एच हमारे लिए क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट। म्यू क्या है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन एच म्यू हो गया, या फिर एस सी बाय लैम्डा, लेकिन म्यू में लिख रहे हैं। और बाइंडिंग एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। तो मान लीजिए ये हमारे पास फाई है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो एच म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। फाई की वैल्यू हमारे पास किस जगह हो जाएगी, एच म्यू। लेकिन इस जगह जो म्यू होगा उसको हम फिर स्टैंडर्ड एच म्यू नॉट शो करेंगे। तो म्यू नॉट अपने आप में क्या बताएगा, कुछ नाम रख लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम थ्रेशोल्ड या बाइंडिंग या सेपरेशन फ्रिक्वेंसी। तो मैं इसका नाम रखता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसका एक और नाम फ्रिक्वेंसी, एक और नाम है थ्रेशोल्ड, या फिर हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। तो ये कोई भी नाम हो समझ में आ जाता है, इसको नोट देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये क्रिटिकल है। बस इतनी एनर्जी है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन निकले। तो एक बात आप मेरे को बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए म्यू की वैल्यू यानी फोटोन की फ्रिक्वेंसी क्या म्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, म्यू नोट से? हाँ बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, सही है। तो एच म्यू नॉट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, फोटोन की एनर्जी, और एच अगर कॉमन ले लिया तो एच म्यू माइनस म्यू नॉट आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा आप अच्छे से जानते हैं एच म्यू, म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैमडा। तो एक तरह से सी माइनस सी नॉट ये हमारे पास हो जाएगा सी बाय लैमडा। तो यहाँ लैमडा और लैमडा नॉट हमारे पास एक और देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, बस अंतर क्या है कि लैमडा नॉट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मदद करेंगे किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताने में। तो आप काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से आराम से बता सकते हैं। तो बस कंडीशंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आप पूरा अच्छे से लिख सके हो कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू नेट से ज़्यादा होनी चाहिए, और लैमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैमडा नोट से कम होनी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अच्छा एक और पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन थ्योरी पे वर्क करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन यानी कि दो, और ये निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे आसान भाषा में यही पूछ रहा हूँ कि क्या दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, नहीं। क्या दो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से निकाल सकते हैं, नहीं। तो आप यही मान के चलिए कि हमेशा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे वर्क करेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी इस जगह मेटल प्लेट की 10 वोल्ट है, कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या पाँच पाँच के दो, पाँच पाँच वोल्ट के दो आपके पास पाँच पाँच वोल्ट यानी पाँच पाँच इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटोन अगर टकराएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। या सात छः छः के निकालेंगे तो भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे वर्क करता है। या आपने एक साथ एक ही फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल दिया तो क्या दो तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, एक ही निकलेगा। और निकलने वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, 90। तो यहाँ 90 रहेगी, लेकिन अगर अगर आपने 10 से कम रखा तो एक भी फोटोन नहीं निकलेगा। अच्छा एक और चीज़, यानी निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कितने फोटोन टकरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये बोल सकते हैं कि जितने फोटोन टकरा रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड हो रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पे। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को आई से, और फोटोन को शो करते हैं नंबर ऑफ फोटोन को कैपिटल आई से, इंटेंसिटी। तो कैपिटल आई और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या ये आई निकलने वाला काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, नहीं। तो कुल मिला के आई आपके साथ रिलेट करेगा, प्रोपोर्शनेट आई, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है, या ये कहा जाए कि स्मॉल आई कैपिटल आई के प्रोपोर्शनल है, बात एक ही है। और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनेट चलेगी, कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगी, वो करेगी फ्रिक्वेंसी से, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन क्या
आई हमारे पास किसी भी तरह से फ्रिक्वेंसी पे या ये एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं, यानी स्मॉल आई वी पे म्यू पे डिपेंड नहीं करेगा और केमिकल केमिकल क्या काइनेटिक एनर्जी कैपिटल आई पे डिपेंड नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? ये एक बहुत सही कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास छोटा सा पॉइंट था, हमने लिख लिया। तो आगे हमारे को जब आइंस्टाइन ने ये सब बता दिया तो हम अगला पॉइंट ले रहे थे, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आके कहता है भाई जितनी भी छोटे पार्टिकल है उनका जो मूवमेंट है वो भाई एक तरह से लीनियर ना होके वेव मोशन होता है। सरप्राइज थे क्योंकि इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी बात कही नहीं थी या कहने से डरता था कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, यानी स्मॉल पार्टिकल जितने भी होते हैं वो ड्यूल नेचर लगते हैं। ड्यूल नेचर का मतलब वो पार्टिकल भी हैं और वो अपने आप में वेव भी हैं। पार्टिकल का मतलब उनमें मास है जो कि वेव में नहीं होता और वेव की तरह वो मूव करते हैं। इसका मतलब ये वेव और पार्टिकल के बीच की कोई चीज़ है। तो बीच की कोई चीज़ है तो स्मॉल पार्टिकल को एक बार पढ़ते हैं और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, तो यहाँ डी ब्रोगली क्या बोलता है कि स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये इस तरह से मूव करते हैं और इनके लिए जो लैम्डा होती है वो एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन पी का मतलब हो गया एच अपॉन एम वी। पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, और एम वी की जगह या पी की जगह हम एक और फॉर्मूला लग सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई। ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं, उस पर अप्लाइड वोल्टेज ही होता है। अगर 10 वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 देते हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए खास तौर पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन ट्वाइस एम वी भी लिख सकते हैं। वी यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है। बस ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर सारी वोल्ट में आ रही है। तो मैं अब आपके साथ इलेक्ट्रॉन के लिए ही शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए एच अपॉन ये पूरी वैल्यूज मैंने रख दी, तो हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पर 150 अपॉन 150 का मतलब 12 पॉइंट समथिंग अपॉन वी। वी की जगह ई भी रख सकते हो। वी यहाँ पर किस में रखना है, वोल्ट में, और ये आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रम में। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए रखने वाला फॉर्मूला है। बाकी ये दूसरे पार्टिकल के लिए नहीं लगेगा क्योंकि उनका मास इससे ज़्यादा होगा, यहाँ मास इलेक्ट्रॉन के लिए लग रहा है। तो ये आपने समझ लिया, ये डी ब्रोगली ने बताया। तो डी ब्रोगली के दूसरा क्या बोला, एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा ये कहा इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में ना घूम के इस तरह से वेव पाथ में घूमते हैं। तो जब वेव पाथ में घूमते हैं तो कितनी वेव कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4। तो जितनी वेव कंप्लीट होती है एन की वैल्यू वही होती है, यानी कि 2 पाई आर। एक में कितना हुआ, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी होगी, एन लैम्डा। तो ये चीज हमारे को किसने बताई, डी ब्रोगली ने। और अगर लैम्डा की वैल्यू आप यहां रख देते हो 2 पाई आर एन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन एम वी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, जो कि आपको किसने बताया था, बोर ने। तो बात एक ही है, बोर ने डी ब्रोगली को बनाया या डी ब्रोगली ने बोर को बनाया मालूम नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी चीज़ बताई, कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, अगर आप देखोगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई एन होगा या नहीं होगा, आर बाई एन, और आर किसके प्रोपोर्शनल, रनाज एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन एन। तो एक तरह से हम देखते हैं तो R इक्वल टू R हमारे लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा वन, और ये लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड। तो मैं इसको बोल सकता हूँ लैम्डा वन जेड वन अपॉन एन वन क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा टू जेड टू अपॉन एन टू क्यूब। क्या ये सही है, R प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, गलत हो गया, यहाँ n से n कट रहा है तो यहाँ n बाई जेड आएगा, ठीक है ना, n बाई जेड आएगा तो ये n बाई जेड इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको कहीं दो जगह आपको लैम्डा का रेशियो दिया जाए तो n का रेशियो निकाल सकते हैं, n का रेशियो दिया जाए लैम्डा का रेशियो निकाल सकते हैं, और z भी दिया जाए तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। क्या आप ये भी बता सकते हैं एन किसके प्रपोर्शनल होता है, आर के साथ किस तरह से रिलेशन होता है? तो आपको अच्छे से मालूम है, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा वन जेड वन अपॉन लैम्डा टू जेड टू करता हूँ, समझना, तो ये हमारे लिए इस तरह से लैम्डा वन जेड लैम्डा टू करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, जेड टू बाई क्या हो जाएगा, एन टू, और जेड वन बाई एन वन, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लैम्डा वन और ये किसके रेशियो में हो गया, वी वन अपॉन वी टू अपॉन वी वन, बोलो यस और नो, यानी जस्ट अपोजिट्स हमारे पास आ रहे हैं।
तो अगर दो ऑर्बिटल में रेशियो आपके पास 2:1 आ रहा है वेलोसिटी का, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 1:2 में हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक बार और मैं प्रूव करना चाहूँगा, क्या ये चीज़ क्लियर हो गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ को रिलेट हो सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि जेड की वैल्यू सेम है एक ही एटम के लिए, समझना, तो एटम के लिए सेम है हमारे पास, सिर्फ एन टू एन वन अलग है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, लैम्डा 1/λ2, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, N1/N2, जो कि अपने आप में क्या हो जाएगा, एक तरह से जल्दी से बताइए, V2/V1 भी हो जाएगा, या फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा, रनाज N2/Z यानी कि R1/R2 के रेशियो में भी आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, यानी दो ऑर्बिटल के बीच में अगर रेडियस का रेशियो 4:1 है, तो बताओ वहाँ लैम्डा का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बोलो, 4:1 है रेडियस का रेशियो, तो एन का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, और लैम्डा का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेन ने ये बताया कि भाई दो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, दो पार्टिकल नहीं, कोई भी पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के लिए आप एक साथ मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते, यानी कि अगर आप मोमेंटम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे पोजीशन में एरर 100% हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट हो जाएगी, 100% का मतलब इनफाइनाइट। तो दोनों में आपके पास क्या रिलेशन बताया उसने, तो हेडिंग डाल लीजिए हाई जेन बर्ग कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट। तो हाइजेन बर्ग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आपको ध्यान से सुनना है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटोन कुछ भी हो, और इसके अंदर एरर इन मोमेंटम डेल्टा पी है और एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट जो होगा वो H/4π के बराबर होगा, या ये चीज़ हमेशा क्या होगी, बराबर होगी या इसके छोटी होगी। इज दैट क्लियर। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त दोनों को बराबर ही करते हैं, यानी डेल्टा पी डेल्टा एक्स H/4π न्यूमेरिकल करते वक्त। अच्छा, डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M∆V भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया और ये एम उधर ले गए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, यहाँ दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अच्छा, ये चीज़ क्या होता है, डेल्टा पी क्या है, एरर एरर इन मोमेंटम मोमेंटम, और यहाँ डेल्टा वी क्या है आपके पास, एरर इन वेलोसिटी, और यहाँ डेल्टा एक्स क्या है आपके पास, एरर इन पोजिशंस। तो ये आपने बेसिक फंडा पढ़ा हाइजेनबर्ग के थ्रू, और हाइजेनबर्ग इन सब चीज़ों को बताने में कैपेबल है कि किस चीज़ में क्या है। लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से, डेल्टा वी कैलकुलेट करना हो तो आपको बहुत आसानी से सोचना है, वी जो भी दिया हो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर जो दी गई है डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास हो सकता है, या डेल्टा एक्स आपके पास कई बार हो सकता है डायरेक्ट ही दे दिया जाए, जैसे उसने कहा कोई भी पोजिशन है, आपको बोला एक्स कोई भी वैल्यू दे रखी है ±10 angstrom का डिफरेंस है, तो डेल्टा एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आपको पोजीशन में एरर देख सकते हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एच की वैल्यू आप जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻¹¹, मास आप ले सकते हो, तो आपके पास एरर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ एक देगा एक निकाल लिया जाएगा कोई भी एक, तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद हाइजेनबर्ग के बाद कौन आया, श्रोडिंजर। तो चलो श्रोडिंजर को समझते हैं, श्रोडिंजर कॉन्सेप्ट। श्रोडिंजर ने पहली बार एनर्जीज को देख ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट दिया कि कहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। तो इस तरह से उसने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अपनी पूरी इक्वेशन सॉल्व करी, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होता, तो श्रोडिंजर मॉडल भी और मॉडल की तरह किसके लिए लग रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के लिए उसने ये बताया कि दो तरह के हमने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, एक हो रहा है हमारे पास एस जो कि हमारे पास आ रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है PDF, ये सिमिलरली है। तो बताइए उसने पता है क्या बोला कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है उसके लिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और तीसरा कर्व हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये तीन कर्व हमारे पास बताए। तो उसने जब ये बताया तो हम तीन कर्व को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं और एक साथ इस तरह से हम देखते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड कर्व, फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व, फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड कर्व तो होता है
साई आर वर्सेस आर, आर यहाँ पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस है और ये एम्पलीट्यूड है। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी कर्व जो कि साई स्क्वायर आर वर्सेस आर में चलता है, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 4πr² साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये हमारे को तीन कर्व पढ़ने हैं। अच्छा PDF ये भी हमारे को करने, यानी इसने इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड के बारे में बताया, इनके लिए भी इसने ऐसे ही बताया आर वर्सेस आर दिस, और ये हमारे पास आर साई आर स्क्वायर दिस और 4πr² साई स्क्वायर आर दिस। तो अब आपको कैसे समझना है ये कर्व मैं बता रहा हूँ। देखिए एम्पलीट्यूड कर्व साइन एस ऑर्बिटल के लिए बिल्कुल वैसे चलते हैं कॉस की तरह, कॉस की तरह यानी ऐसे घूमेंगे, लेकिन क्योंकि है तो पार्टिकल वेव तो धीरे धीरे ये पार्टिकल वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, किसी जगह ये जाके न्यूक्लियस के पास आएगा। और एक और बात, जितनी बार ये इस आर एक्सिस को क्रॉस करेगा या एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा जीरो, और ये क्या बनेंगे नॉड बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे नॉड, इसको बोलेंगे रेडियल नॉड, क्या बोलेंगे रेडियल नॉड। तो यहाँ आपको रेडियल नॉड की वैल्यू हमेशा की तरह हमें बताना पड़ेगा कि रेडियल नॉड हमेशा किसी भी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, यहाँ पर होते हैं एन, जो आपके पास क्या है प्रिंसिपल एन माइनस एल माइनस वन। मैं फिर बोल रहा हूँ एन की वैल्यू यहाँ पर अगर सपोज हाँ आपके पास कितना है वन ऐसे, तो वन ऐसे तो एन माइनस जीरो माइनस वन कितना होगा आपके लिए जीरो, और अगर टू ऐसे तो आपके पास कितना हो जाएगा टू माइनस जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा आपके लिए वन। तो ये रेडियल नॉट है। अब अगर यहाँ कर्व पहले बना और ऑर्बिटल पूछा जाए तो कॉस वेव दिख रही है, कॉस वेव दिख रही है यानी एस ऑर्बिटल कंफर्म हो गया। कितने रोड बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास एक तरह से हो गया एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई 6, एल की वैल्यू 0 तो 6, एन की वैल्यू कितनी हो गई 7, ऐसे आप निकाल सकते हैं। दूसरा अगर एम्पलीट्यूड कर्व प्रोबेबिलिटी कर्व बनाएंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से, और ये अब मैग्नीट्यूड में लेना है क्योंकि यहाँ क्या था सिग्मा आर था यहाँ सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ क्या होती जाएगी पॉजिटिव में रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। तो आपके पास कितने नोड बन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए ऐसे है ही एस क्योंकि स्टार्ट ही एस के लिए चालू हो रहा है, तो मान लीजिए ऐसे तो यहाँ टच करते ही क्या हो जाएगा 2s 3s 4s 5s 6s, तो ये 6s कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी बोल सकते थे, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये कितना था 1s, जैसे टच करा 2 3 4 5 6 7, ये 7s था, तो मैं पहले ही बोल रहा था ये 7s ऑर्बिटल है, बोलो क्लियर है, तो ये 7s ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भले वो फिर किसी का भी हो, वो अब साइन बन जाता है कॉस की जगह क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू जीरो है और ये वैल्यू भले जीरो ना हो लेकिन आर की वैल्यू शुरुआत में जीरो होने से ये कर्व कहाँ से होगा जीरो से स्टार्ट होगा। दूसरा ये अब बढ़ता जाएगा, हाइट इसकी बढ़ती है, ये इस तरह से एक तरह से एसेंडिंग कर्व देता है और जितनी बार टच होता है उतना ही एस चेंज होता जाता है। तो ये टच हो रहा है तो बताइए यहाँ जाके ये इनफाइनाइट पे रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s, जैसे टच करा 2 3 4 5 5s हो गया, ये चीज हमारे पास क्लियर है। जबकि यही कर्व अगर हम PDF के लिए देखते हैं तो PDF के लिए हमारे पास क्या होता है, PDF के लिए हमारे पास हो जाएगा ये साइन कर्व हो जाएगा और ये इस तरह से चलेगा, ये ऐसे एम्पलीट्यूड छोटा होता जाएगा और इस तरह से, तो जितना ये छोटा होता जाएगा ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन है ये पी का या डी का या एफ का, इनमें से कोई एक होगा। मान लीजिए पी का है तो पी कहाँ से स्टार्ट होता है 2p, जब तक टच नहीं करा 2p, जैसे टच करा 3p 3p 4p 5p 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये नीचे चला गया 11, तो ये 11p है। एक बार और बता देता हूँ कैसे सोचा मैंने, जब तक टच नहीं करा था 2p क्योंकि p 2 से स्टार्ट होता है, 3p टच करते 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11p है। अगर ये डी होता तो पता है क्या होता, डी कहाँ से स्टार्ट होता है जल्दी से बोलो, डी स्टार्ट कहाँ से होता है 3D से, तो 3D से अगर स्टार्ट होता है तो जब तक टच नहीं करेगा 3D, टच करते 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 12D होता और F होता तो ये कौन सा होता फिर 13F, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ इस तरह का होता है, तो देखते ही समझ में आता है कि ये इस तरह का रहेगा। तो जैसे ही यहाँ हम P के लिए बात करते हैं तो P कहाँ से स्टार्ट होता है 2, टच करते 2p 3 3 4 5 6, तो ये 6p होगा, तो D कौन सा होगा 7D और F कौन सा होगा ये 8F, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, तो आ गई बात समझ में। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में असेंडिंग ऑर्डर रहता है इस तरह से, तो यहाँ आप बताइए जल्दी से, मान लीजिए ये P है तो P कौन सा हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p, और ये क्या हो जाएगा 6p,
एक बार बता रहा हूँ, पी टू से स्टार्ट होता है, इसको काउंट नहीं करते हम नोड में। तो 3p, 4p, 5p, 6p, और अगर d होता तो ये कौन सा होता, 7d, और f होता तो कौन सा होता, 8f। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये नोड है, नोड का मतलब क्या होता है, नोड इज द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, और उसका अगेंस्ट होता है एंटी नोड, एंटी नोड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो बताइए, ये नोड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो, और ये क्या हो रहा है, एक तरह से एंटी नोड, यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, नोड ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो होता है जहाँ 90 to 95% आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कवर कर लीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो चीज़ें आपके लिए हो गई, एक हो गया नोड, नोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल नॉट, रेडियल नॉट, और जिसको आप नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नोडल सरफेस, और इसकी सरफेस, और एक होता है, कौन सा होता है हमारे पास अगला नॉट, हमारे पास कर बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको एंगुलर नॉट, एंगुलर नॉट, एंगुलर नॉट को आप नोडल प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन, क्योंकि ये एक प्लेन को बनाते हैं, नोडल प्लेन। इसकी वैल्यू होती है नोडल, रेडियल नोड की वैल्यू होती है एन माइनस एल माइनस वन, जबकि एंगुलर नोड यानी नोडल प्लेन की वैल्यू होती है सिंपल सा एल। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड बताना चाहे तो बता सकते हो, लेकिन ये दिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के बाद कैसे, जैसे आपको दे दिया यहाँ पर 3s, तो एन माइनस एल की वैल्यू कितनी होगी, 3 - 0 - 1 कितना हुआ, 2, लेकिन L की वैल्यू कितनी है, 0, यानी इसके अंदर रेडियल नोड दो होंगे और एंगुलर नोड कितना होगा, 0। और अगर ये 5d दे दिया जा रहा है, 5d, तो बताइए 5d के लिए N की वैल्यू कितनी है, 5 - 2 - 1, तो कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, नोडल प्लेन, L, L की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 5d के अंदर रेडियल और एंगुलर नोड दोनों क्या है, बराबर है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया, लेकिन फिर भी मुझे ये समझाना था कि रेडियल नोड और एंगुलर नोड है क्या। तो देखिए, S के अंदर तो एंगुलर नोड होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन पी के अंदर हो सकते हैं, इसलिए मैं पी बता रहा हूँ। तो ये मैंने एक पी बनाया, और ये पी इस तरह से मैं बना रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिले, ये मिले इलेक्ट्रॉन, फिर एक जगह नहीं मिले, फिर वापस मिले, तो ये हमारे पास मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद बहुत कम मिल रहा है, लेकिन इस एरिया में जो मैंने लाइन बनाई है उसमें 90 to 95%, तो ये ऑर्बिटल बन गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है, इसके अंदर पता कैसे चलेगा, देखिए पी है, देखते ही पता चल रहा है, डंबल शेप होता है पी का, तो ये पी का है, तो पी ऑर्बिटल को देखते ही आपको पता चल रहा है ये डंबल है, तो ये वाला कहलाता है आपको नोडल सर्फेस। ऐसा लगता है कि पी ऑर्बिटल को एक कपड़े पहनाया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रॉबिलिटी बिल्कुल जीरो है, कपड़े की तरह है, जिस शेप का जिस शेप का ऑर्बिटल होता है, नोडल सरफेस भी वैसी की वैसी शेप होती है। तो ये पूरा मिला के एक है, दो नहीं है। तो नोडल सरफेस या रेडियल नोड कितना है, नोडल सरफेस इसमें कितनी है, एक, तो पक्का। और रेडियल नोड ये कहलाता है रेडियल नोड, और ये नोडल प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रॉबिलिटी क्या है, जीरो। तो ये है हमारे पास एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड ए कर रहा है, यानी एल की वैल्यू वन है, यानी कि ये क्या है, पी है, इसके अलावा और कोई प्लेन नहीं बन पा रहा। जबकि नोडल सरफेस आपको कितनी मिल रही है, एक है, यानी एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, वन। तो एल की वैल्यू वन रखते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए कितनी हो जाएगी, 3। तो यानी कि ये 3p ऑर्बिटल है। वैसे भी पता चल रहा है कि 2p के अंदर तो नोडल सर्फेस होगी नहीं, होगी क्या, नहीं, यहाँ तक रहता 2p, अब ये जैसी सरफेस आ गई 3p, एक और बार आती 4p, एक और बार आती 5p, तो पता चल रहा है p है, और ये कौन सा है, 2p है, खत्म, 3p है, सॉरी, तो कौन सा है, 3p है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर ये मैंने इस तरह से बनाया, ये इलेक्ट्रॉन, फिर एक सरफेस खाली छोड़ दी, फिर वापस बनाने चालू कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, पहले तो ये 2p था, अब ये क्या बन गया, 3p, और फिर मैंने वापस जगह खाली छोड़ दी, और फिर बनाने लग गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये 2p, 3p, अब ये क्या हो गया, 4p, तो इसका नाम क्या है, 4p। और अगर मैंने एक और जगह खाली छोड़ दी, तो ये अब क्या बन जाएगा, 5p। बताइए 5p के अंदर 2p, 3p, 4p सब इन्वॉल्व है या नहीं है, नहीं है, ये अपने आप में एक ही ऑर्बिटल है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक ही ऑर्बिटल है, और हो सकता है कि इतने सारे लेयर बनने के बाद भी ये एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन केवल इंडिविजुअल अगर आपको 2p बनाना होता तो वह या तो आप सिर्फ इतना सा बनाते, तो ये 2p होता,
समझ में आ रहा है, ये एक अलग ऑर्बिटल, ये पूरा अपने आप में एक ऑर्बिटल, ये पूरा अपने आप में एक ऑर्बिटल है। ये मत सोचना आप दोनों को देख के कि ये बहुत सारे ऑर्बिटल का मिक्स बन के एक बनता है, नहीं, हब अपने आप में एक ऑर्बिटल होता है, बस उसमें अंतर होता है कि इसके अंदर बहुत सारी नोडल सर्फेस मिल रही है, एक दो आपको नोडल मिल रही है, एक दो तीन मिल रही है, समझ में आ रहा है, जबकि इसमें एक भी नोडल सर्फेस नहीं मिलेगी, लेकिन में नोडल प्लेन एक ही होगा। तो सेम वैल्यू ऑफ एल ऑर्बिटल हैव सेम नंबर ऑफ एंगुलर नोड बट डिफरेंट नंबर ऑफ रेडियल नोड, इज दैट क्लियर? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, आपको मैंने श्रोडिंगर भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिया।